शनिवार को दिल्ली में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। इसके पीछे की वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की ज्यादातर पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़कर अपना दमखम दिखाना चाहती हैं। इसी कड़ी में जेजेपी का नाम भी आता है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कसी है तो जेजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। जेजेपी ने एक बड़ी घोषणा दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर की है। जेडीपी ने फैसला ये कर लिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीपी तकरीबन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीपी के प्रधान महासचिव केसी बांगड़ ने ये जानकारी दी और बताया कि दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। सामूहिक रूप से पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पार्टी आने वाला चुनाव जननायक जनता पार्टी चाबी के चुनाव चिन्ह के निशान पर चुनाव लड़ेगी। यदि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को कोई अप्रोच करती है, कोई संगठन के बारे में विचार करती है, तो हमारी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यदि कोई ऑफर आता है तो इस सारी पार्टी ने सामूहिक रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अधिकृत किया है कि उस विषय के ऊपर वो विचार करेंगे। वही बैठक के बाद जेडीपी नेता दिग्विजय चौटाला ने भी ये साफ किया कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी गठबंधन पर विचार कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ही अंतिम फैसला गठबंधन पर लेंगे। दिल्ली प्रदेश का चुनाव जो है हमारी पार्टी लड़ रही है, लड़ने जा रही है, इस पर पार्टी ने फैसला लिया है। किसी स्टेज पर कोई कम्युनिकेशन स्थापित होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो निश्चित तौर पर फिर से मीटिंग बुला करके उस पर चर्चा की जाएगी। अल्टीमेट फैसला दुष्यंत जी के माध्यम से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास पहुंचा दिया जाएगा। जो वो फैसला लेंगे उसको सर्वमान्य तौर पर मान करके हम आगे बढ़ेंगे। हम चुनाव लड़ रहे हैं ये आज। दिल्ली चुनाव किसके हक में रहता है, जनता किस पर विश्वास करती है, ये तो 11 फरवरी को मालूम होगा। लेकिन उससे पहले तमाम पार्टियां अपनी ओर से रस्सा कशी कर रही हैं ताकि किसी भी तरह अपना दम दिल्ली चुनाव में दिखाया जा सके। खबरें अभी तक के लिए दिल्ली से अनिल मोर की रिपोर्ट।